फिज हिबा नाश्ता करने लगी है ये देखें जी हिबा नाश्ता करने लगी है किसके साथ ब्रेड के साथ हिबा जैम और ब्रेड के साथ नाश्ता करोगी अच्छा चलो कर लो ठीक है वालेकुम वेलकम बैक टू माय चैनल कैसे हैं जी आप सब उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ तो जी सुबह हो गई है नाश्ता कर लिया है फ्री को स्कूल भेज दिया है और मैंने ना सबसे पहले आज ये काम किया है कि गंदम धोने वाली थी मैं और अम्मी मिल के ना गंदम धो रहे हैं और मिट्टी बहुत ज़्यादा थी तो फिर ना वैसे जो है ना गंदम बनाना बहुत मुश्किल था तो फिर हमने ऐसा किया कि इसको धो लिया है और फिर धो के तो साफ़ सुथरी हो जाती है गंदम तो फिर हमने इस तरह से चारपाइयों पे चादरें बिछा के ना तो धूप में इस तरह से हमने ना सारी जो है वो बिखेर दी है ताकि जो अच्छे तरीके से सूख जाए इसमें नमी ना रह जाए क्योंकि अगर नमी रह जाए तो फिर आटा जो है ना वो ख़राब हो जाता है तो खाने के काबिल नहीं रहता तो वैसे भी पहले ऐसे गांव में लोग करते थे तो हमारी गंदा बहुत ही ख़राब निकली है इस दफ़ा हमने थोड़ी सी ली है लेकिन ख़राब निकली है पहले भी मैंने आप लोगों के साथ ना शेयर की है तो उसके बाद जी मैं घर आ गई हूँ और आज हमने बनाने हैं जी ब्लैक चने तो मैंने कहा कि पहले मैं इन्हें भगो दूँ बाकी काम ना बाद में करूँगी तो उसके बाद जी फ्री स्कूल से आ गया था और वो लेके आए जी केक का पेस्ट वो होता है ना पाउडर सा वो चॉकलेट केक का तो फिर ना वो कह रहे थे कि बच्चे कह रहे हमें बना के दें तो हमारे पास ओवन नहीं था फिर मैंने इस तरह से कढ़ाई को ना हल्के फ्लेम पे रख दिया था लो फ्लेम पे तो ये वाला केक है हमारे पास इसका पाउडर जो है ना वो हम उसका पाउडर बना हुआ है तो उससे ना हम अब केक बनाएंगे उसके लिए मैंने ये देखें पाउडर आपको दिखाया है घी लिया है एक का पानी का लिया है और दो अंडे लिए हैं अंडे को अच्छी तरह से हमने इस तरह से फेंट लेना है और इसके अंदर हमने ऐड करके तो ओवन के बगैर हमने ना जो है वो केक बनाना है तो अब सारी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे मिक्स करने का यानी कि ये तरीका ये है कि इसको हमने एक ही सिमत में हलाना है और जिस तरह से हम मधानी के साथ लस्सी वगैरह करते ना ग्राइंड वैसे नहीं करना तो इस तरह से आपने अच्छे तरीके के साथ ना तो फिर बाद में एक बाउल लिया उसमें मैंने घी लगा लिया था ताकि इसके अंदर ना हमने वो पेस्ट डालना है और फिर कढ़ाई में रखेंगे ताकि इसके अंदर ये घी लगा है ना तो फिर ये इसके साथ ना जुड़ नहीं जाएगा फिर आसानी के साथ ना हम निकाल लेंगे तो फिर इस बाउल के अंदर हमने जो पेस्ट बनाया है वो सारा डाल दिया है तो डालने के बाद फिर इस तरह से कढ़ाई में रखेंगे कढ़ाई पहले से गर्म हो गई है उसके आ, आ, बाउल रखने से पहले ना हमने एक प्लेट रखी है इस तरह से ये देखें प्लेट रखी है इसके ऊपर हमने बाउल रखना है इस तरह से ठीक है अब हम इसको कवर कर देंगे ये तकरीबन उन्होंने लिखा है कि पैंतालीस मिनट के लिए आपने कवर करना है ऊपर हमने इस तरह से ना लगा दा, लगा दिया था थोड़ा सा वो जो होता है ना गत्ता ये देखें अब हमारा केक जो है ना बन के रेडी है हमने पहले चेक किया है तो केक रेडी था तो फिर हमने निकाल लिया है काल के कटिंग करके आप लोगों को दिखाते हैं और माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त बना है बहुत ही ज़बरदस्त बगैर ओवन के हमने बनाया आप लोगों के सामने और बहुत ही हल्के फ्लेम पे बनाया है गैस पे तो बहुत अच्छा बना है ये देखें ये घी लगाने का यही मकसद था कि ये इसके साथ ना चिपके ना ये देखें माशाल्लाह से इधर कमरे में बैठी थी फिर मैं क्या यहाँ पे ना सही से नज़र नहीं आ रहा फिर मैं बाहर लेके आई हूँ तो ये देखे माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त है बहुत पसंद किया है सब ने और फिर हमने ना कटिंग करके तो सबसे पहले बच्चों को दिया है बच्चे तो बहुत बेताब थे तो आज हमने पहले यही काम किया है नाश्ते के बाद ना उसके बाद फिर मैंने खाना वग़ैरह बनाया है ये देखे हमने पीस सारे बना लिए थे और ये देखिए अभी गर्म है लेकिन बच्चे जो है ना वो कह रहे हैं कि बस ये इसकी जो है ना वो सीधी साइड हमने इस तरह से बाउल को उल्टा किया था ना तो ये सीधी साइड नीचे आ गई और ये देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त बना है तो ज़रूर बताना कि हमारी कोशिश आप लोगों को कैसी लगी है अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक वीडियो को लाइक कर दें चैनल को सब्सक्राइब कर दें मुझे दें इजाज़त हाफ़िज़